मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों पर बढ़ते जघन्य अपराधों के विरोध में सीहोर जिला महिला कांग्रेस ने आज महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुलाबबाई ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से गुलाबबाई ठाकुर ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं एवं मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं हत्या जैसी विभत्स घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और मध्य प्रदेश लगातार महिला अपराधों में नंबर वन पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो कि स्वयं एक महिला है उनसे यह मांग करते हैं कि वह मध्य प्रदेश की इस असंवेदनशील सरकार को महिला अपराधों के खिलाफ तत्काल कड़े कदम उठाने और सख्त से सख्त कानून बनाकर ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के प्रावधान बनाने हेतु निर्देशित करें। ज्ञापन का वाचन रजनी ठाकुर द्वारा किया गया। इसके पूर्व महिला कांग्रेस की सभी कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुई और वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुलाबबाई ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया जिसे जिलाध्यक्ष गुलाबबाई ठाकुर सहित महिला कांग्रेस के अनेक पदाधिकारियों ने संबोधित किया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बस स्टैंड मुख्य मार्ग पर पहुंचे जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार के विरोध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस द्वारा नारेबाजी भी की गई। लोगों ने हमारी मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विभा पटेल जी के निर्देश पर आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है, जलाया है और हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं पर बालिकाओं पर बढ़ते अपराध को लेके हमने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय जी को और मांग करी है कि हमारे मध्य प्रदेश में आज पूरे देश में मध्य प्रदेश महिलाओं के अपराध में अव्वल नंबर में है। उस पर शासन प्रशासन से हमने मांग करी है कि आप हमारे क्षेत्र के जो बढ़ते अपराधों को कम किया जाए क्योंकि अपराध इतने हो गए हैं छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में कि हम आज टीवी खोलते हैं सुबह से तो पहले बालिकाओं की खबर देखते हैं और अखबारों खोलते हैं तो उसमें बालिका की खबर देखते हैं। तो हमने ये मांग करी है और मध्य प्रदेश में अपराध कम हो नन्ही नन्ही बालिकाओं को बचाने के शासन प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है पर उस पर अमल धरती पे कहीं नहीं उतर रहा है। कि और आप इस तरीके के हमारे मध्य प्रदेश में अपराध हो रहा है शिवराज मामा के राज में तो हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं और हम आगे मांग करते हैं कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया जाए तो महिला कांग्रेस महिलाओं के साथ सम्मान में। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।